महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और साइबर सिक्योरिटी को लेकर महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रामगढ़ जिला पुलिस के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने कहा, महिलाओं पर अत्याचार इन दिनों बढ़ गए हैं, जिनको लेकर जिले के विभिन्न जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर उनके बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। रामगढ़ जिले के बड़का काना स्थित डीएवी स्कूल में 33वें स्थापना दिवस के मौके पर महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रामगढ़ पुलिस के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं को साइबर अपराध से बचने को लेकर कई टिप्स दिए। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में उपस्थित महिलाओं को बताया कि आजकल साइबर अपराध का शिकार ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं। वैसे में एक जागरूकता उनको कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक दिवसीय कार्यशाला महिलाओं को अपराध से बचाने में बेहद कारगर साबित होगा। एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें क्राइम अगेंस्ट वीमेन का हाउ टू प्रिवेंट और कैसे उससे बचे और साइबर क्राइम से कैसे बचे और ये अगर ये दोनों के शिकार हो जाते हैं तो क्या करें, उसी में हम लगातार अलग अलग वेज से अलग अलग माध्यम से एक मुहिम चला रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हम लोगों ने स्टिकर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर में पंपलेट के माध्यम से लोगों को अवेयर किए हैं और अब इसी कड़ी में एक हर एक स्कूल में इधर ऑनलाइन या फिर अगर संभव हो तो जा करके लोगों को अवेयर करें, बच्चों से बात करें, उनके गार्जियन को तक मैसेज पहुँचाए। इसी मुहिम में आज डीएवी स्कूल बड़का काना में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था। उसमें स्कूल के प्रिंसिपल मैम के द्वारा काफ़ी कोऑपरेशन और सारी व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी। उसमें बच्चे भी शामिल थे, कुछ सेमिनार हॉल में और कुछ ऑनलाइन से भी उपलब्ध थे। सबके द्वारा साइबर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट वीमेन, नॉर्मल काउंसलिंग, बच्चे को करियर के लिए क्या करना चाहिए, उस पर लगभग एक घंटे का प्रोग्राम। रामगढ़ जिले का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि झारखंड सरकार द्वारा निर्मित टेक्नो इंडिया ग्रुप वन ऑफ द लीडिंग बिगेस्ट एजुकेशन के द्वारा संचालित AICTE के मान्यता प्राप्त एवं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रत्येक शाखाओं में स्टूडेंट एडमिशन सीट की संख्या 60 है। इसके अलावा इस कॉलेज में लैटरल एंट्री जो कि संबंधित ब्रांच डिप्लोमा करने के बाद एडमिशन से होता है, इसकी भी यह सुविधा है। वर्तमान समय में डिप्लोमा करने के आधार पर 25 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र और छात्राएं जल्द से जल्द नामांकन कराएं। नामांकन कराने की अंतिम तिथि नवंबर 2020 तक है। अन्य कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं की अपेक्षा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज विशेष सुविधा दे पाएगी जो इस प्रकार है। कॉलेज फी संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट सरकार के द्वारा निर्धारित है। कॉलेज में ST/SC/OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप की सुविधा है। वर्तमान समय में कॉलेज वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कॉलेज में अनंतर आधुनिक सुविधा, सुसज्जित लाइब्रेरी की सुविधा, आधुनिक रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला की सुविधा तथा कॉलेज कैंपस के अंदर संपूर्ण हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा है। न्यूजलेंस चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है